Good morning, students. Yes, how are you? We are fine. Yes, good. Okay. Now hamara next subject hai EVS, then environmental studies. Okay. Open your course book. Page number. हमारा chapter का name. Page chapter number 4, communication. मैंने बताया था इसके बारे में communication. What is meaning by communication? क्या है? हाँ, एक दूसरे से बात करने का जरिया. और क्या है इसके जरिए के आधार, इसकी बेस मैंने आपको क्या समझाई थी कि कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं. टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट पर्सनल कम्युनिकेशन एंड सेकंड मास कम्युनिकेशन. तो क्या बताया था मैंने आपको पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स. पर्सनल कम्युनिकेशन वो कहलाते हैं जिसमें हम एक से सिर्फ आगे जब कोई सेकंड पर्सन हो उन दोनों के बीच में जो कोई पर्सनल बातें होती हैं, सीक्रेट बातें होती हैं, किसी कॉन्फिडेंशियल्स, किसी मैटर को लेके, ऑफिस का वर्क, बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके जब वो पर्सनल कहलाती है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो उनके द्वारा किसी और के पास ना जाए, वह बात, वह कम्युनिकेशन सिर्फ उन्हीं के पास में रहे, तो ये क्या कहलाती हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन. सिर्फ जो दो लोगों के बीच में कहलाती हैं वह क्या कहलाती हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती हैं. एंड सेकेंड है उसका पार्ट मास कम्युनिकेशन. और मास कम्युनिकेशन में मैंने आपको क्या बताया था, मास कम्युनिकेशन वो कहलाता है जो एक से ज़्यादा 100 लोगों के बीच में, हज़ारों लोगों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो, फिक्स हो. जब हम किसी एक से बात करते हैं वो क्या कहलाता है, पर्सनल. और किसी एक ही समय पर हम काफ़ी सारे लोगों से जब बात करते हैं, हमारी कनेक्टिविटी रखते हैं आपस में, हमारा तालमेल हम जब जोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन. कम्युनिकेटिंग विद मैनी पीपल एट द सेम टाइम क्या है, काफ़ी सारे लोगों से हम जब जुड़े होते हैं किस समय पे, एक ही समय पे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मास कम्युनिकेशन. द न्यूज़ रीडर ऑन द टेलीविज़न टॉकिंग अबाउट द टुडेज वेदर. देखा होगा आपने, आपको मैंने इसका एग्जांपल भी बताया था. मास कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, हर कोई घर में हमें देखने मिलता है, हर किसी के घर में देखने मिलता है. किसके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और टीवी टेलीविज़न के माध्यम से. आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग उठते ही क्या करते हैं पापा दादा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टार्ट करते हैं, टीवी को ऑन करते हैं और देश भर की खबरों को सुनते हैं और देखते हैं. देश भर की खबरें एक साथ, कई देशों की अलग अलग जगहों की खबरों को एक साथ एक ही टाइम पर हमें क्या दिखाता है, दिखा टीवी पे शो करता है, उस जानकारी को हम तक पहुंचाता है. तो ये भी क्या कहलाता है हमारे लिए, एक मास कम्युनिकेशन कहलाता है. एक कम्युनिकेशन का ये जरिया है जो क्या कहलाता है हमें, मास कम्युनिकेशन, काफ़ी सारे लोगों से जोड़कर रखने का यह एक माध्यम है ना. तो उसी तरह मैंने इसके एग्जांपल्स भी आपको बताए थे पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन के. ओके, तो हमारा नेक्स्ट है, लेट्स ट्राई टू पेज नंबर 29. ओपन योर कोर्स बुक एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो क्या है, ऑप्शन है आपके पास, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग. यह क्या है, कम्युनिकेशन है किसका, पर्सनल कम्युनिकेशन का. यह एक क्या कहलाएगा, एक जरिया कहलाएगा, एक एग्जांपल कहलाएगा जो हमारे द्वारा इंफॉर्मेशंस को, आइडिया को, फीलिंग्स को हम शेयर करते हैं किससे, एक से अधिक लोगों से या फिर एक से दूसरे के साथ क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं अपनी आइडियाज़ को. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, आपको क्या की थी, एक्सप्लेन की थी, है ना. तो ये हमें क्या कहलाता है, यह कम्युनिकेशन हमारा जरिया है मीन्स ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स के लिए, है ना, कि हमारे इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को शेयर करने के लिए हमें किसके हेल्प लेना पड़ेगा, कम्युनिकेशन की. मास कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स क्या कहलाएगा, पीपल देन द पर्सनल कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन इन्वॉल्व क्या करता है, मोर पीपल्स मीन्स एक से ज़्यादा, एक से कई लोग, है ना, उन लोगों से बात करने के लिए क्या कहलाता है, पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है.
मास कम्युनिकेशन इन्वॉल्व क्या होता है? मास कम्युनिकेशन में हम एक से ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व होकर बातचीत करते हैं, हमारे सोच को, हमारे आचार विचारों को हम आदान प्रदान करने का जो कार्य करते हैं, जो वर्क करते हैं, वो क्या कहलाता है? मोर पीपल्स देन द पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, तो हमारा आंसर होगा मोर। ये मैं आपको टिक करके आपके व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, बट आपको इसके पहले एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी था और आप इसे अच्छे से समझोगे, अच्छे से सुनकर आपकी कॉपी में आप इसे क्या करोगे, राइट डाउन करोगे। न्यूज़पेपर इज यूज्ड फॉर मास कम्युनिकेशन। क्या है न्यूज़पेपर? पर्सनल है क्या ये? किसी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए हमें न्यूज़ भेजते हैं क्या? नहीं ना। क्या होता है न्यूज़ खबर न्यूज़पेपर में? आस पड़ोस की, आजू बाजू की, देश विदेश की, इस शहर से उस शहर की, ऑल ओवर इंडिया की न्यूज़ क्या होती है, हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मास कम्युनिकेशन। ओके, मास कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम। क्या है मास कम्युनिकेशन का यूज़? हम क्या करते हैं, हमें क्या प्रोवाइड करता है, कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें? इन्फॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह की इन्फॉर्मेशन को सेम टाइम पर हम तक पहुंचाने की, प्रोवाइड हमें हम तक आने की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो ये क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन। यह इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिल सकती है? जब हमें कहीं और से, किसी न्यूज़ चैनल से जब ये हम तक आएगी तभी ये हम तक पहुंच सकती हैं, है ना। तभी हम उस इन्फॉर्मेशन को, देश विदेश में होने वाली जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? मास कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो क्या करता है मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन इज यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम। मतलब काफ़ी सारे लोगों की जानकारियाँ यह हमें एक समय पर, निर्धारित समय पर हम तक पहुँचाने का कार्य करता है। द लेटर इज यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। तो क्या है हमारा एग्जाम्पल पर्सनल कम्युनिकेशन का, कि क्या हो सकता है? जब हमें पर्सनल कम्युनिकेशन का यूज़ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं सबसे ज़्यादातर? या फिर हम अपने मोबाइल से किसी एक दूसरे पर्सन से बात कर सकते हैं, तो वो भी हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। उसी तरह लेटर के ज़रिए भी हम लेटर को राइट मीन्स लिखने का वर्क करके पहुँचाने का कार्य करने का भी हम क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? पर्सनल कम्युनिकेशन। क्योंकि पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिर्फ एक से दूसरे व्यक्ति के ही बातों को पर्सनल माना जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हम एक से दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो क्या होती है? कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, सीक्रेट हो सकती है और पर्सनल हो सकती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो आपको क्या करना है, आपकी बुक में पेज नंबर 29 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जो आपको आपकी बुक में राइट डाउन करना है। ओके, लेट्स नाउ नेक्स्ट है हमारा, लेट्स ट्राई 3। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ओके, कैन वी कम्युनिकेट थ्रू एक्सप्रेशन? लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ द गर्ल इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट डाउन हाउ शी इज फीलिंग। आपके बुक में गर्ल्स के फेस की पिक्चराइजेशन शो की हुई है, देखिए नज़र आ रहा है आप लोगों को? फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, कैसा पिक्चर बना हुआ है, दिख रहा है आपको? लड़की ने क्या किया है, गर्ल ने, शी इज एंग्री फेस। क्या दिख रहा है उसके फेस पे? एंग्री मीन्स गुस्सा। क्या नज़र आ रहा है? गुस्सा। तो कैसा है उसका फेस? काफ़ी ज़्यादा एंगर फेस लग रहा है, उसके चेहरे पे काफ़ी सारा गुस्सा हमें शो हो रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एंग्री फेस। तो गर्ल शीज फेस वॉज क्या नज़र आ रहा है? एंग्री फेस। नाउ सेकेंड इसमें क्या नज़र आ रहा है, लड़की क्या कर रही है? सोच रही होता है ना, जैसे काफ़ी समय हम ऐसा सोचते हैं कि क्या किया जाए, कुछ तो किया जाए, मम्मा क्या बना के देगी। तो ये हमारा क्या होता है? सोचना। तो सोचते समय जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में हमने क्या देखा था? एंग्री फेस देखा था। तो उसी प्रकार हमने नेक्स्ट पिक्चर में क्या देखा? क्या? कंफ्यूजिंग फेस देखा। तो हमारा फेस क्या कहलाएगा? कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है? कंफ्यूज फेस शो कर रहा है। तो हमारा सेकेंड आंसर क्या होगा? कंफ्यूज। ओके, नाउ थर्ड फेस पे आप देखो,
क्या फेस नजर आ रहा है? देखो छोटे से बेबी का चेहरा ऐसा उतरा नजर आ रहा है, तो हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये कैसा फील कर रही है? सैडनेस फील कर रही है। तो उसका फेस कैसा बना है? ऐसा बना है। कैसे बना है? आप भी देखना, जब आप कभी सैड हो जाते हो तो आपका फेस कैसा नर्वसनेस आ जाता है, आपके फेस पे क्या हो जाता है? सैडनेस आ जाता है। तो वो हमारा थर्ड क्या है? सैडनेस का सिंबल बना हुआ है और फेस पे शो हो रहा है सैडनेस, तो हमारा आंसर होगा सैड। हमारे फोर्थ पिक्चर में शो दिस पिक्चर। ओके नाउ कैसा फेस नजर आ रहा है? स्माइली फेस, बिकॉज शी इज वेरी हैप्पी। नाउ फेस ऑल्सो हैप्पी, है ना? तो कैसा फेस नजर आ रहा है इसका? हैप्पी फेस नजर आ रहा है। ओके बिकॉज स्माइली है, वो कितना फ्री होके हंस रही है, देखो दिख रहा है आप लोगों को, है ना? शो दिस पिक्चर। यस शी लुक लाइक अ हैप्पी फेस, है ना? तो क्या होगा हमारा आंसर? हैप्पी। नाउ लास्ट है वेरी क्राइंग फेस, शी इज क्या हो रही है? क्राइंग, शी इज क्राइंग, रो रही है। आप लोग भी ऐसी रोते हो, देखो आ रहा है आपको नजर? यस, जब मम्मा डांटती है, पापा डांटते हैं घर में, कोई भी डांटता हो तो आप कैसे करने लग जाते हो? आपको छोटे छोटे से आंसू आने लग जाते, स्पेशली गर्ल्स को तो बहुत जल्दी रोना आता है। ओके तो क्या होगा हमारा लास्ट? क्राइंग फेस, है ना? तो ये आपको क्या करना है, आपकी बुक में इसे लिखना है। ओके राइट डाउन करना है। तो नेक्स्ट हम कल क्या देखेंगे? कम्युनिकेशन टू टुडेज टाइम, आज की जनरेशन का क्या है ये हम देखेंगे। ओके तो आज के लिए आप बस इतना ही करोगे, और नेक्स्ट इसमें है हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर से रीड करेंगे पेज नंबर 30 का। हाउ डू वी कम्युनिकेट? वी कैन कम्युनिकेट इन मैनी वेज। आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो? डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट वे से आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा है आपके बुक में एग्जाम्पल शो हो रहा है बाय स्पीकिंग, एक बेटा, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो यह भी क्या हुआ? एक कम्युनिकेशन का एक जरिया है, है ना? एक माध्यम है। ओके बाय लिसनिंग। सेकंड क्या है कम्युनिकेशन का? लिसनिंग मीन्स सुनना, चाहे वो क्या हो, आप टीवी देखते समय सुनते हो, है ना? आपने कभी देखा है कि टीवी शुरू है और आपने उसका वॉल्यूम को ऑफ करके रखा है और आप सिर्फ पिक्चराइजेशन को देख रहे हो? होता है ऐसा? नहीं होता। क्या होता है? पिक्चराइजेशन के साथ हमें उसका वॉइस भी सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। और हम क्या करते हैं, मोबाइल के जरिए भी हम सुनने का काम करते हैं, जैसे कि कार्टून्स देखना प्लस सॉन्ग सुनना, मूवीज देखना, वीडियोस देखना, काफ़ी फनी वीडियोस, काफ़ी सारे बच्चों को इंटरेस्ट होता है नाना देर। अभी के समय में तो बच्चों को सबसे ज़्यादा कार्टून का शौक है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे मोबाइल पे, यूट्यूब पे क्या देखते हैं? वीडियोस को देखते हैं। तो वह भी एक क्या है जरिया? हेडफोन के जरिए हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं? मोबाइल से सुनने का काम करते हैं। थ्रू एक्सप्रेशंस मीन्स कैसे होता है? एक्सप्रेशंस को देखना, एक्सप्रेशन को समझना, यह भी एक क्या है कम्युनिकेशन का रिलेटेड क्या है एग्जाम्पल है। ओके बाय ड्राइंग, काफ़ी सारे बच्चों को ड्राइंग करने का शौक होता है, ड्राइंग के जरिए वो किसी फेस को पिक्चराइज करते हैं, ड्राइंग के थ्रू बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्राइंग करते हैं, है ना? तो वह भी क्या होता है एक वी कैन कम्युनिकेट मैनी वेज, मीन्स वो भी एक वे कहलाता है कम्युनिकेशन का। ओके बाय टाइपिंग एंड सेंडिंग ईमेल्स, जबकि मैंने आपको लास्ट स्टडी बताया था कि क्या होता है कम्युनिकेशन के लिए, आज की जनरेशन में मोबाइल इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो हमें क्या करता है, एक दूसरे से रिलेटेड रखता है, पहचान कराता है, है ना? तो क्या होता है, जैसे कि हम मोबाइल में आपको वीडियो शो कर रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं, तो यह भी एक क्या है सबसे बड़ा एग्जांपल है कम्युनिकेशन का। जैसे कि मैं आपको रोज़ एक्सप्लेन करके सेंड करती हूँ, तो ये भी एक क्या हुआ कम्युनिकेशन का वे हुआ है, है ना? टाइपिंग सेंडिंग ईमेल्स एंड मैसेजेस क्या करते हैं हम, इस पर
सेंड करने का काम करते हैं, तो यह भी एक वे है कम्युनिकेशन का। बाय रीडिंग, देखा होगा आपने, आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, स्टोरी रीड करते हो, स्कूल में आके बुक्स को रीड करते हो, तो यह भी एक क्या हुई, कम्युनिकेशन की वे हुई है, वे है जिससे हम क्या है रिलेटेड आइडियाज बुक्स के थ्रू हम रीडिंग करते हैं, है ना, स्टोरी को रीड करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को अलग अलग वे में क्या किया जाता है, देखा जाता है, तो यह भी एक वे कौन सा है कम्युनिकेशन का। ओके, बाय राइटिंग अ लेटर एंड सेंडिंग द लेटर्स, देखा है मैंने आपको बताया था, जब आज से कई साल पहले मोबाइल नहीं होते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लेटर्स को लिखकर सेंड करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते थे, तो वह भी क्या कहलाता है, एक कम्युनिकेशन का वे है, एक जरिया है, है ना। तो आज के लिए बस आपको इतना ही है, आपको इस वीडियो को अच्छे से देख के समझना है और आपको जो होमवर्क दिया हुआ है उसे राइट डाउन करना है। ओके, नाउ आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।